हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज एसी वाले को बुला लिया है क्योंकि जब हम हिमाचल गए थे तभी गला मेरा कल ही जब मैंने बताया था वो कल से ख़राब हो चुका है, तो पूरी रात को बड़ी प्रॉब्लम हुई गले में और अभी भी हो रही है। तो एसी वाले को बुलाया है, वो रात को जब तक उसका कंप्रेसर ऑन रहता है, मतलब जितने टाइम वो ठंडा वो करता है उतने टाइम ठीक था, पर जिस टाइम वो फ़ैन पे कन्वर्ट होता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अबू के चक्कर में मैं उसको ज़्यादा कम टेम्परेचर पे नहीं रखती हूँ, तो मैं रखती हूँ उसको 25 या 26 पे, तो उससे बस थोड़ा सा कूलिंग मेंटेन रहती है रूम में, क्योंकि ये तो पूरे बेड पे घूम घूम के सोता है तो ब्लैंकेट ये लेता नहीं अपने ऊपर, तो इधर उधर फेंक देता है और पता नहीं कौन से कोने में जाके सोता है, तो उसके चक्कर में ज़्यादा एसी नहीं रख सकती मैं। तो एसी वाले को आप बुला लिया है क्योंकि वो रात को जब फ़ैन पे रहता था ना तो ऐसा लग रहा था कि वो मिट्टी फेंक रहा बहुत ज़्यादा, तो सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही थी रात को रूम में, तो एसी फिर मेरे को बंद रख के सिर्फ फ़ैन में सोना पड़ा। और अभी क्योंकि हम हिमाचल जा रहे थे उस टाइम पे जिस टाइम एसी सर्विस हो रही थी दूसरे एसी का, स्प्लिट एसी का, तो हमने वो वाला विंडो एसी तब अपना वाला कराया नहीं था, हमें था कि हम वापस आके कराएंगे, तो वापस आ गए थे हम, तो तब से फिर वो किचन का काम फैल गया था काम सारा, तो अभी था कि भाई एसी भी और ये सब एक साथ, वो भैया सबको बालकनी चाहिए होती है काम करने के लिए, तो अब जाके वो एसी वाले भैया को बुला लिया है। बाल इतने ख़राब हो रहे हैं, ऑयलिंग भी करनी है पर गर्मी इतनी लग रही है कि ऑयलिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो बस वो एसी वाला भैया भी आ गया है, नीचे से तो कॉल तो आ गया कि वो आ गए, तो वो एसी की सर्विस करा लेते हैं। गले का हो गया काम, गला हो गया ख़राब, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और अबू को हमने बलून दे के बिज़ी किया था पहले वॉकर में, तो वो बलून थोड़े ज़्यादा फूल गए हैं तो उसके हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा तो इरिटेट हो रहा है, तो अब एक छोटा बलून फुला के दिया था इसको, पर ऐसा लगा हुआ है। अबू भैया क्लीनिंग कर रहे हैं और ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है इसके अंदर, तो यार ये जो जैसे हम लोग कभी कभी कर देते हैं ना, मतलब मैं तो सर्विस करा ही लेती हूँ, इस बार डिले हो गया कि सर्विस नहीं भी कराते कि हाँ नेक्स्ट जब समर्स में दोबारा एसी चला रहे हैं तो बिना सर्विस के चला लिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, और अगर आपके घर में बेबी भी है या आप खुद भी हो या कोई सीनियर सिटीज़न भी हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये खाली बैठे हैं लोग यहाँ पे, और चाय की जो है पर्ची वो सारे टाइम मेरे ऊपर फाड़ी जाती है कि चाय बनाओ जाके चाय बनाओ, और मैंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं बनाऊंगी तुम बना लो, तो इनके पास बहाने हैं कि तो हम पानी वाली बना देंगे, हम ऐसी बना देंगे, हम अच्छी नहीं बनाएंगे। और ये जो ब्लैक टी शर्ट वाला है इंसान, ये मेरे को बोलता है कि चाय में ना सारा सामान डालो, उबाल मैं दूंगा उबाल मैं दूंगा, बना के मैं ले आऊँगा। सेल्स वाले बंदे हम, सेल्स वाले टोपी बनाना जानते हैं, टोपी उतारना भी जानते हैं, और हम ना खाली नहीं बैठे बैठे बच्चे को खिला रहे हैं। हाँ बच्चे को वॉकर में छोड़ देती हूँ मैं, बच्चे का क्या है। हाँ वाह, बच्चा तुम्हारा इतना शरीफ नहीं है जो वॉकर में रुक जाएगा ये भी बात है, अभियान शरीफ नहीं है। ओ लाला जी क्या रहा है, पेट कुछ ला लो बस इसने देख लिया मेरे को, अब इसको यह कि इसको गोदी उठाओ, इसको खिलाना पड़ता है दवाइयों की बोतलों से, इसको इसके काम की चीज़ दो तो इसको समझ नहीं आती। खरगोश तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे हो रखे हो। अरे कुछ नहीं, अप्रेजल आया है आज। हाँ वही है, हर साल 4-5% बढ़ा के कंपनी सोचती है, एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। हाँ क्या करेंगे काम, अरे यही हो तो यही सब जगह यही हाल है, सब कंपनी सारे क्या बोलूं मैं। अब नींबू तो 400 रुपए किलो हो गए, अपनी तनख्वाह 400 रुपए भी नहीं बढ़ी सब चीज यही होता है, हर साल हर काम पूरा कराओ और अप्रेजल के टाइम जो करना होता है कंपनी को, कंपनी वही करती है। ये कम रह गया, वो कम रह गया, लास्ट में
ये पैरामीटर आपका रह गया, सॉरी हम इसे आपको नहीं दे सकते, ये कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है जाओ ए, कोई बात नहीं, तुम्हारे मूड चाय ठीक करेगी, चाय बनाती हूँ मैं, रुको। चलो इस बात पे ठीक करना, समोसा भी बना ही दो आज। समोसा ये क्या बोल रही हो, बारिश तो नहीं आ, बारिश आ गई होगी बाहर। समोसे पकौड़े बनाए थे, पकौड़े मिर्चे बेसन से बाहर जा रही थी ऐसे उड़ती हुई। एक्सक्यूज मी, हाँ दोबारा एक बार, तुमने पकौड़े बनाए थे? हाँ होली पे ही बनाए थे मैंने पीछे। पकौड़े बनाए थे? हाँ मिर्चे बिल्कुल ऐसी बढ़िया थी ना, मिर्च पकौड़ा। तभी मैं कुछ बनाती नहीं तुम्हारे लिए। चलो अपने बच्चे के लिए बना दो, उसके लिए तो बना ही दूंगी मैं। चढ़ा चढ़ा चढ़ा, करी इसने रॉक क्लाइंबिंग। चलो कर लो भाई कपड़े वपड़े प्रेस कर लो, मैं चाय बनाऊं। बाय बाय। इतनी रिक्वेस्ट किया तो चाय पिला ही देती हूँ इनको, एक ही चीज़ है जो अच्छे से आती है मुझे। नहीं पर ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल ही आता नहीं था कुछ खाना वाना बनाने का ना, थोड़ा मेरे को मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं आता यार खाना वाना बनाने में। ऑल तो मैंने ब्रेक लिया था जॉब से एक टाइम पे, 4-5 महीने का ब्रेक था, और उस टाइम पे मैंने खाना बनाना सीखा भी था, तो शादी के थोड़े टाइम बाद की बात है। चाय बन रही है साथ साथ में, तो वो खाना बना के फिर थोड़ा थोड़ा बनाते रहे, फिर हमने एक दो जगह पे शिफ्टिंग की, तो फिर वहाँ पे फिर जब मैं जॉब पे लग गई वापस, तो फिर हमें कुक रखना पड़ा, क्योंकि फिर खुद से नहीं होता, वो भी बैंकिंग जॉब्स होते हैं, तो जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको पता ही होता है कि सुबह नहीं पहुँचना है तो ब्रांच में टाइम से पहुँचना है, या जो भी है, इनफैक्ट ऑफिस आवर्स भी जो नॉर्मल कंपनीज भी होती है उनका भी ऐसे ही रहता है कि टाइम पे पहुँचना है, और निकलने का फिर आपको पता नहीं होता, ऑल दो आप कितनी भी कोशिश कर लो पर निकल आप अपने टाइम के हिसाब से नहीं पाते, फिर भी कुछ ना कुछ ये रहता ही है कि थोड़ा सा काम रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो डिले हो जाता है आपको, तो वो आने का भी वापस नहीं हो पाता था, वापस आके भी नहीं मैनेज हो पाता था, तो फिर हमने कुक रख लिया था उस टाइम पे, और उसके बाद फिर वो कुक की आदत पड़ गई, तो अपनी जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी जो बनाने की वो सब अब तो भूल गया, उसी टाइम बड़ा मुश्किल से बनता था पर अब तो बिल्कुल ही भूल गया, बिल्कुल ही याद नहीं रहता। उसके बाद फिर जब अबू का टाइम था अभी पीछे लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी टाइम पे तो बिल्कुल किचन में घुस ही नहीं सकते आप, जिनको प्रॉब्लम होती है उनको पता होगा कि स्मेल और इन सब चीज़ों की इतनी इरिटेशन होती है आपको, किचन में मास्क लगा के घुसती थी मैं, तो उस टाइम पे हमने कुक रखा क्योंकि काम नहीं होता था खुद से, तो मतलब पीछे 1.5-2 साल तो ऐसे गए हैं कि खाने का कुछ भी नहीं बनाया खुद से, तो इसलिए आप बिल्कुल भी पता भी नहीं है, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं आता खाना वाना बनाने में, मैं नहीं बना सकती खाना वाना। हाँ मैं बाकी काम जो मर्ज़ी कर लो, साफ़ सफाई है, डस्टिंग है, कपड़े वॉशिंग है, बर्तन वॉशिंग है, वो सब कुछ बाकी सब हो जाता है XYZ, बस एक खाने को छोड़ के, खाने में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अभी बनाना कुछ पड़ जाए तो बना दूँगी पर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता खाना बनाने में। बाकी हाँ रिसेंटली मेरा इंटरेस्ट बस केक बनाने में आया, तो अभी पीछे भी अबू के उस पर 9 मंथ पे मेरे को था कि मैं केक बनाऊँ, पर ऑलरेडी किचन इतना मैसी हो रखा था कि वो केक बनाया नहीं, फिर मैंने कहा छोड़ो। तो ऐसे ही है खाने की जर्नी, अभी जब भी अपना अभी फ्लैट में शिफ्ट करेंगे वहाँ पे भी कोई आंटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो अकेले अबू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वहाँ पे तो बिल्कुल ही काम नहीं हो सकता, कोई ना कोई अरेंज करना पड़ेगा वहाँ पे। जब भी हमारे घर में पहले से भी कोई ऐसे खाने वाने का काम होता था तो मेरी मम्मी और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वही करते थे, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मेरा कभी उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आया, और मुझे कभी बनाना भी नहीं पड़ा तो बनाना आया भी नहीं। तो बाद में बनाना सीखा थोड़ा बहुत, और अब थोड़े बहुत पे इतना गैप आ गया कि अब वो भी याद करना पड़ता है कि कोई चीज़ कैसे बनाती थी मैं और अब कैसे बनेगी वो। हमेशा बच्चा तो मैं ही उठाता हूँ यार। हाँ तो बच्चा तो तुम ही उठाओगे, तो ये मेरा बैग उठा लो, नहीं तो ये व्लॉग शूट कर लो, इसको पकड़ लो, मैं गाड़ी जाता था वहाँ से, तुम बैठ नहीं पाओगे। वेट, हेलो,
तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि अबू का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी पहले से कुछ बुकिंग करानी पड़ेगी जहाँ भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इसका बर्थडे सेलिब्रेशन। तो वो भी पार्टी प्लेस को ही देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा अच्छा है, कोई एक दो विजिट करेंगे क्योंकि शाम का ही टाइम मिल पाता है, और कुछ थोड़ा जल्दी आ गए थे इसलिए जा पा रहे हैं अभी, और वो चेक करके आते हैं अगर कोई अच्छा पार्टी प्लेस मिलता है, क्योंकि पहले से बताना पड़ेगा कि पता लगे वो बाद में बोले कि ऑलरेडी किसी और की बुकिंग है और तब हमें बुकिंग ना मिल पाए, फिर कहीं दूर कुछ रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अभी चल रहे हैं, पापा ने कहीं जाना है तो उनका थोड़ा सा सामान लेना है वो भी लेते हैं, और कहाँ पे इसका केक काटेंगे वो भी देख के आते हैं। केक काटेंगे अच्छा, ये भी रिक्शे और ये सब जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। बारह कितना बिजी हो जाता है ये, ऐसा लगता है हम कोई जानते ही नहीं है, मतलब हमें ये जानता ही नहीं है, और बिल्कुल ऐसे अव्यान देख ही नहीं रहा अव्यान। तो अभी अंकुश के जो सामान लेना है वो लेने के लिए, और हम लोग कार में बैठे हुए हैं, और अभी वो वापस आएगा तो उसके बाद मैं जाऊंगी सामान लेने के लिए जो मुझे लेना है, उस हिसाब से फिर वो अबू को पकड़ेगा आके, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है तो हम इसको लेके घूम नहीं रहे हैं बाहर, यहाँ तो मतलब उबल जाए बंदा इस हिसाब से, इतना ज़्यादा हीट है बाहर, जबकि अभी शाम का टाइम है तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और उसके बाद यहाँ से सामान लेने के बाद हम लोग जाएंगे वापस। पे मिश्री के दाने वही लेनी है ना, मिश्री के दाने वाली बोली थी क्या, पता नहीं वो दूसरी तो है नहीं मिश्री दाने वाली है, पर मिंटी है। मम्मी को फोन ही कर लो फिर, अभियान रुक जाओ मैं लग जाओ। हाँ तो इसके बाद हम लोग जाएंगे वो देखने के लिए कि कहाँ पे अबू का कुछ बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग कर सकते हैं, तो अभी हम वहाँ जाएंगे इसके बाद, होपफुली कोई अच्छी जगह मिल जाए मेरे को। तो आ गए हम लोग घर वापस, और जो पार्टी प्लेस देखना था तब तक मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया सामान लेते हुए, तो जब तक पार्टी प्लेस पे पहुँचे उन्होंने, तब तक अबू सो गया था सबसे पहले तो, और उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो गैदरिंग हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतना स्पेस था नहीं, तो उन्होंने बोला कि उनकी जो ब्रांच है वो कहीं और भी है, तो वहाँ पे जाने के लिए फिर तब तक अबू सो गया था, तो हमें मन ही नहीं किया कि फिर उसको हम ले कैसे इधर उधर घूमें, तो फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो अब कल संडे है तो अब कल जाएंगे, और कल वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे उतना गैदरिंग का स्पेस है कि नहीं, और मार्केट में तो बिल्कुल ही नहीं घूमा जा रहा, मतलब इस टाइम भी हम लोग शाम के टाइम गए हैं और शाम के टाइम भी बिल्कुल नहीं घूमा जा रहा मार्केट में, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी बाहर मतलब एटमॉस्फेयर इतना गर्म है कि बिल्कुल ऐसे घूमना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर जो काम है वो तो करना ही है, निकलना ही पड़ेगा, दोपहर में नहीं निकलेंगे तो शाम में निकलेंगे, शाम में नहीं निकलेंगे तो रात में निकलना पड़ेगा, तो बाकी का जो है वो कल देखेंगे, कल भी निकलना पड़ेगा शाम को एक बार, तो देखते हैं क्या बनता है।